छोटा रामपुर के अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का शंखनाद करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की जब भी चर्चा होती है तो सबसे पहला नाम बिरसा मुंडा का लिया जाता है। बिरसा मुंडा झारखंड के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। बिरसा का जन्म खूंटी जिला के उलीहातू में 15 नवंबर सन 1875 को हुआ। वह एक गरीब किसान सुगना मुंडा का बेटा था। उसकी माता का नाम करमी था। अयुब हातू में मामा ने सलगा के स्कूल में दाखिला दिला दिया। वहां के एक शिक्षक बच्चों में काफी रुचि लेते थे और पढ़ाई के साथ साथ धार्मिक और शारीरिक शिक्षा भी देते थे। बिरसा ने चाईबासा मिशन स्कूल से उच्च प्राथमिक शिक्षा हासिल की थी। एक बार फादर नुतरोत ने ईश्वर के राज्य सिद्धांत पर जोर देते हुए कहा, जो भी ईसाई बने रहेंगे उनकी जमीन वापस कर दी जाएगी। इस बात से बिरसा के साथ साथ और भी लोगों को काफी धक्का लगा। 1886-87 में मिशनरियों से सरदारों का संबंध टूट गया। मिशनरियों ने सरदारों को धोखेबाज कहना शुरू कर दिया। बिरसा ने इस बात को लेकर विद्रोह कर दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि बिरसा को स्कूल से निकाल दिया गया। उन्होंने मिशन धर्म का पूर्णतः त्याग कर वैष्णव धर्म को ही अपनाया। बिरसा गांव के लोगों की सेवा करने लगे। मैंने भगवान सिंह गंगा के दर्शन किए। उसने कहा कि कैसा भी रोगी हो, अब तुमसे ठीक कर सकता हूं। उसने मुझे हुक्म दिया है कि मैं मुंडाओं को फिरंगियों, जमींदारों और जागीरदारों से आजाद करवा दूं। सिंह बोंगा ने कहा है कि अब मुंडा लोग कंपनी से सिंह बोंगा यानी ईश्वर एक है, सिर्फ उन्हीं की पूजा होनी चाहिए। हिंसा बंद करो, शराब मत पियो। ग्रामीणों के मन में बिरसा के प्रति और भक्ति जागी। इन्हीं सब कारणों से लोगों ने उन्हें भगवान माना। बिरसा ने सरकार के विरुद्ध जब खुलेआम विद्रोह का आह्वान किया, जमींदारों और अंग्रेजों द्वारा उनके अनुयायी अभी भी सताए जा रहे थे। तू कंटा है ना तमाड़ का? जी सरकार। तेरे गांव से जागीरदार साहब को 2 घड़े चाहिए। जो हुक्म मालिक। और तू बरू का तोरा मुंडा है ना? जी सरकार। कल 4 आदमी भेजना थाने में और साथ में पालकी भी भेजना। हमारी मिसेस जगन्नाथपुरी दर्शन करने जाएंगी। पालकी और आदमी पहुंच जाएंगे। बिरसा ने लोगों को उसके नेतृत्व में संगठित होकर लड़ने का आह्वान किया। इन बाहरी लोगों के विरुद्ध सशस्त्र प्रतिशोध और संस्कृति को नवजीवन देने की दोहरी प्रक्रिया घुल मिल गई और आगे चलकर उसकी परिणति मुंडाओं के 19वीं शताब्दी के अंतिम विद्रोह उलगुलान में हुई, जिसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। सारे ट्राइबल उसके साथ है। ठीक है, हमें चल लेगा। बिरसा के सैनिक मुख्यालय डुम्बारी बुरु पर अंग्रेजों ने जबरदस्त आक्रमण किया। और
हजारों आदिवासी स्त्री पुरुष और बच्चे मारे गए, पर बिरसा निकल गया। सुनो सुनो, अंग्रेजी सरकार ने ऐलान किया है कि जो भी आदमी बिरसा मुंडा को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाएगा उसे 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। जगमोहन सिंह के आदमी वीर सिंह महली आदि 500 रुपए के इनाम के लालच में बिरसा को 3 मार्च 1900 ईस्वी में रांची ले आए। मृत्यु पूर्व बिरसा को अंग्रेजों ने अपनी स्वतंत्रता की मांग से अलग होकर अनेक आकर्षण दिए थे, किंतु देशभक्त बिरसा भगवान ने अंतिम श्वास तक केवल आजादी की लड़ाई लड़ी। वो सिर्फ अपनी माटी, धर्म और संस्कृति के प्रति समर्पित रहे। कुछ ही समय बाद अंग्रेज सरकार ने घोषणा की कि बिरसा का निधन हो गया है। मौत का कारण हैजा प्रचारित किया गया, पर कुछ सूत्रों के अनुसार शक्तिशाली बिरसा को धीमे धीमे जहर देकर मारा गया था। दोस्तों, ये थे हमारे धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की अमर कहानी। तो चलिए चलते हैं, भगवान बिरसा मुंडा को एक नृत्य के द्वारा समर्पित करते हैं, जिसके प्रदर्शन करती है जमशेदपुर झारखंड से शांति डांस क्रू। जोहार।